ये जो है सर फोड़ू सरकार बन चुकी है, दमनकारी सरकार बन चुकी है, तालिबानी सरकार बन चुकी है, लोकतंत्र में इसका कोई विश्वास नहीं है। दूसरा जो ये करते हैं हर जगह, जहां भी कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आंदोलन करने चले तो तुरंत ये करते हैं, धारा 144 लग गई। अरे धारा 144 बार बार हर बार थोड़ी लगाई जाती है, आपको जब बड़ी कोई आशंका हो और लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की हो तब उसका का प्रयोग किया जाता है। ये तो केवल इसलिए प्रयोग करते हैं कि लोग हमारे खिलाफ प्रदर्शन ही ना कर सके, लोकतंत्र के आधार को ये समाप्त करना चाहते हैं। और तीसरी चीज जो इस सरकार से मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि भाई अगर आपके पास इस देश में मेजोरिटी आ गई है तो आप जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए, लंबे समय तक प्रदर्शन करते हुए, 600 से ज्यादा शहीद होने के बावजूद भी किसान वहां बैठे बैठे मर गए, उसके बाद भी आप नहीं सुनेंगे, भाई किस तरह की सरकार आप चला रहे हैं? तो इन तमाम प्रश्नों को हमें देखना पड़ेगा। इसी की परिणति है कि जो है वहां महापंचायत हुई करनाल में इस विषय पर, उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते थे। किसानों ने मांग की थी कि ठीक है भाई आप इसको बर्खास्त करें और इसके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम करें। उसके बाद किसानों ने ये भी एक रास्ता सुझाया कि ठीक है इसको आप सस्पेंड तो कर सकते हैं, इन्होंने सस्पेंड भी उसको नहीं किया, उसको बल्कि एक जिसको कहते हैं कि इनाम के रूप में एक अच्छी जगह पोस्टिंग दे दी। अरे भाई पोस्टिंग से क्या मतलब है? और देश में बाकी लोग कोई कांड करे तो पहले FIR दर्ज होती है और फिर जो है सारी कार्रवाई होती है। अब ये कह रहे हैं कि पहले इंक्वायरी होगी बाद में हम जो है FIR दर्ज करेंगे, ये कहाँ का नया कानून है? तो सरकारी अफसरों के लिए, सरकार के लिए कुछ और कानून है। अगर उस यहीं पर किसान ने उसी का अफसर फोड़ दिया होता या एक IAS अफसर मर गया होता, किसी किस्म की हिंसा हो जाती तो पहले दिन ही गिरफ्तारियां और FIR दर्ज करके सबको जेल में डालने का ये काम कर देते। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र को किस दिशा में ये सरकारें ले जा रही हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।